नमस्कार सभी विद्यार्थियों का श्याम एकेडमी की ओर से मैं स्वागत करती हूँ। कक्षा 6 हिंदी में हमने दूसरी कविता एक जगत एक लोक का सरल अर्थ समझा था, उसके बारे में शब्दार्थ समझे थे। आज हम इनके प्रश्न के बारे में यानी स्वाध्याय कृति के प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वैकल्पिक प्रश्न, उसका आप जवाब इन सरल अर्थ में से ढूंढकर लिख सकते हो। रिक्त स्थान की पूर्ति भी आप अपने तरीके से कर सकते हो और सही वाक्यांश चुनकर वो वाक्यों को यानी विधान को पूर्ण करना है वे भी आप कर सकते हो। आगे हम प्रश्न की चर्चा करेंगे। आइए प्रश्न 4 का जो पहला प्रश्न है, हमारा जीवन क्या है। तो हमारा जीवन, हमने कविता का सरल अर्थ समझा था, उसके आधार पर हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी है, इस प्रकार से इसका उत्तर लिख सकते हो। दूसरा प्रश्न है, हम कैसे तराने गाएंगे। तो हमें कैसे तराने गाने हैं, मानव जाति की समता और ममता के यानी समता और ममता यानी एक समान जुट होकर हमें तराने गाने चाहिए। तीसरा प्रश्न है, हमारा कर्म क्या है। तो हमारा कर्म क्या होना चाहिए, पूरे विश्व में मानव जाति के प्रति कैसे व्यवहार करना चाहिए, विश्व बंधुत्व का व्यवहार करना चाहिए यानी कि सभी राष्ट्रों में एकता होनी चाहिए, एकता बनाए रखनी चाहिए, यही हमारा सबसे बड़ा कर्म होना चाहिए। इस प्रकार से हम इसका उत्तर लिख सकते हैं। आगे प्रश्न 4 देखते हैं कि इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व हैं। तो मैंने आपको पहले भी सरल अर्थ में समझाया था कि सारे प्रकृति के तत्व कौन कौन से हैं, जो जो चीज़ें प्रकृति के आधारित है वो सारी प्रकृति के तत्व हैं। सूर्य, चंद्र, धरती, भूमि, आसमान, ये सभी प्रकृति के तत्व हैं। इसी प्रकार आप 5वां प्रश्न है, इस काव्य के लिए आप कौन कौन से अन्य शीर्षक देना चाहेंगे। तो ये आपकी सोच के आधार पर, आपको कविता पढ़नी है उसके सरल अर्थ के आधार पर आपको इसका शीर्षक देना है। और प्रश्न 6 है कि हमारा धर्म क्या होना चाहिए। तो हमारा धर्म सबके साथ अच्छा व्यवहार करना होना चाहिए और सबके साथ दुखी लोग हैं उसकी मदद करनी चाहिए, ये सबसे बड़ा हमारा धर्म होना चाहिए। इसके आगे प्रश्न 5 है, हमारे बड़े प्रश्नों की चर्चा करते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इन प्रश्नों का उत्तर मैं आपको बता रही हूँ, इसके अलावा अगर आप अपनी सोच के आधार पर यह प्रश्न के उत्तर अपने आप लिख सकते हो, मौलिकता से लिख सकते हो। प्रश्न है, हमारा जीवन एक सुख दुख की कहानी है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है। अब प्रश्न 5 है, उसका पहला प्रश्न है, हमारा जीवन सुख दुख की कहानी क्यों है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है। तो उसके उत्तर में हम लिखेंगे कि इस पूरे विश्व में मनुष्य के जीवन में सुख या दुख आते रहते हैं, सुख दुख ऐसी कड़ी है, कभी सुख खुशी कभी गम, तो इस प्रकार हमारे जीवन में सुख या दुख आते हैं। तो हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए, उसका डटकर सामना करना चाहिए। मनुष्य को जीवन में कभी सुख के दिन आते हैं तो कभी दुख के दिन आते हैं, किसी का सारा जीवन सुखी होता है न किसी का सारा जीवन दुखी होता है। तो बारी बारी सुख और दुख आते रहते हैं, इस प्रकार हमें दुख से घबराना नहीं चाहिए और सुख में बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो जाना चाहिए। इस प्रकार कवि जीवन में कहते हैं कि हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी है। इसके आगे हम देखते हैं दूसरा प्रश्न कि एक जगत एक लोक, ऐसा कवि ने क्यों कहा है। हमारी इस कविता का जो शीर्षक है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है, तो यह संसार एक मानव लोक है यानी कि पूरे विश्व के जो लोग हैं वो एक समान समझने की बात की गई है, क्योंकि पूरे विश्व में एक ही चंद्र है, सारे संसार को चांदनी देता है, एक ही सूर्य है जो पूरे विश्व को प्रकाश देता है, एक ही सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है, दुनिया के सभी लोग एक ही धरती पर और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। इस प्रकार भगवान ने यानी प्रभु ने पूरे विश्व को एक बनाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है। तो हमें इस प्रकार प्रकृति के तत्व हम सब के लिए एक है, इसलिए कवि ने एक जगत एक लोक ऐसा कवि ने कहा है। आगे हम देखते हैं कि एक रक्त का अर्थ समझाइए, यानी कि हम अलग अलग देश के लोग अलग अलग जाति के लोग के शरीर में रक्त का रंग एक ही है, इसलिए कवि समझाते हुए कहते हैं कि मनुष्य चाहे किसी भी देश जाति और धर्म का हो, उसे रक्त का रंग तो लाल ही होता है। रक्त के रंग की समानता से साबित होता है कि पूरी मनुष्य जाति एक है,
भले ही हमारे रंग रूप भिन्न हो, अलग अलग हो, अलग भाषा बोलते हो, पर भीतर से हम सब एक हैं। आगे चौथा प्रश्न है, घर घर में कौन सा गाना गूंज रहा है? हमारे इस कविता के आधार पर हमें घर घर में कौन सा गाना गूंज रहा है? इस प्रश्न का उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि घर घर में कौन सा गाना गूंज रहा है, तो संसार के सभी मनुष्यों के जीवन में हर्ष हो, सब सुहावने रागों में आनंद प्रकट करें, पूरी मानव जाति एक दूसरे के प्रति प्रेम और भावना हो और सबकी आकांक्षा पूर्ण हो, ऐसा कवि यहाँ पर मधुर गीत गाने के लिए कहते हैं। आगे देखते हैं, सभी नदियाँ अलग अलग है, फिर भी कवि क्यों कहते हैं कि एक ही पानी, यानी कि सारी नदियों का पानी कहाँ मिल जाता है? सागर में जाके मिल जाता है। तो अलग अलग नदियों का पानी है वो सागर में मिलकर एक ही पानी हो जाता है। तो इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं, नदियों के पानी की वैज्ञानिक संरचना एक जैसी है, यानी सभी नदियों के पानी का मनुष्य के लिए समान उपयोग है, इसलिए कवि अलग अलग नदियों के पानी को एक ही पानी कहते हैं। न्याय और मानव धर्म के लिए हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए? तो इस प्रश्न का उत्तर आप कविता का जो मैंने सरल अर्थ समझाया, आगे के प्रश्नों की हमने जो जो चर्चाएं की, इसके आधार पर इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। देखो बच्चों, यहाँ पर हमने सारे प्रश्नों की चर्चा की, इसके आधार पर मुझे आशा है कि आपको सभी को इस कविता का सरल अर्थ और प्रश्न के उत्तर समझ में आ गए होंगे। स्वाध्याय पोथी में आपको ये सब पूर्ण करना है, जो जो वीडियो देखकर इस सारे प्रश्न को पूर्ण करना है। आगे यहाँ पर हमारा जो दूसरी कविता है हमारी, वो पूर्ण होती है।